चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी का। ये हमारा दूसरा दिन है इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी पे। गाइस क्या है ना कि अभी कुछ एक दो दिन मैंने किसी कारण से क्लास दो दिन का क्लास गेप हो चुका था, बट आज हम इसको कंटिन्यू एकदम मेंटेन रखेंगे। तो आप लोगों ने होपफुली पहला लेक्चर यदि इक्वलिटी और इनइक्वलिटी का नहीं देखा है तो पहले को देखिए और फिर दूसरे पे आइए, तो आप लोगों को पहला दूसरा बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। हाँ, यदि आपने पहले इसको पढ़ रखा है तो यू कैन गेट इजिली, आप इसको इजिली यहाँ पे गेन कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आईबीपीएस से एफओ का, साथ ही साथ आईबीपीएस आप क्लर्क वगैरह पीओ वगैरह यहाँ पे भी देखोगे तो इसके क्वेश्चन डेफिनेटली 5 क्वेश्चन ही आएंगे, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आईबीपीएस एफओ के बच्चों के लिए भी है, ठीक है, पीओ के लिए भी है, क्लर्क के लिए भी है, एसबीआई जो पीओ वगैरह है उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है गाइस, है ना। तो यदि आप लोग चैनल पे अभी तक नए हो तो यदि लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप लोग बढ़िया सा दबा लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए तो कुछ क्वेश्चन वगैरह मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग इसको बनाइएगा। सबसे पहली बात यहाँ पे 5 ऑप्शन आएंगे, 5 ऑप्शन कैसे आएंगे देखते हैं हम लोग। देखो 5 ऑप्शन कैसे आएंगे, सबसे पहला आएगा आपका, मतलब जो पहला ऑप्शन आएगा क्या आएगा, फर्स्ट अनुसरण करता है, पहला अनुसरण करता है, फिर क्या आएगा आपका, दूसरा अनुसरण करता है, इसे ऑप्शन दे रहे हैं आपने, थर्ड नंबर पे आएगा पहला व दूसरा अनुसरण करता है, फिर आएगा या तो पहला व या तो दूसरा अनुसरण करता है, और 5 नंबर पे आएगा दोनों गलत, ठीक है, देख लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन आपको दिया, आप लोग लगाइएगा यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। जिसे मैंने आपको दिया ए इज इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन सी लेस देन डी, मतलब यहाँ पे क्या, सबसे पहले हम आपको बताया था गाइस कि सबसे पहले चलाना है किसको, तो सबसे पहले किसको चलाना है यहाँ पे, बराबर वाले को चलाना है, फिर उसके बाद किसको चलाओगे यहाँ पे, ग्रेटर देन लेस देन, या तो क्या होगा लेस देन ग्रेटर देन इस प्रकार से, और फिर लास्ट में आएगा इस प्रकार से आप लोगों को, मतलब इसको चलाना है, ये इसके रूल्स वगैरह होंगे। और क्वेश्चन में इस प्रकार से आपको साइन दिखे, यदि दो के बीच, ध्यान रखिएगा कि दो के बीच यदि रिलेशन पूछा है और उन बीच में आप लोगों को यदि इस प्रकार से साइन आपको दिखाई देता है तो वो क्या माना जाएगा वहां पे, गलत ही माना जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो इसको मैं देता हूं यहाँ पे, आप लोग बनाइएगा ए लेस देन डी, पहला नंबर पे दिया मैंने, बताइए इसको क्या आएगा यहाँ पे, राइट हो गया, राइट हो गया, रॉन्ग होगा बताइए। दूसरा मैंने दिया कि बी डी, बताइए, देखो पोज कीजिए आप लोग बताइए। तो देखो आपको पता है गाइस कि ये जो डी रहेगा, डी यहाँ से यहाँ पहले जा तो सकेगा, यहाँ सी की जगह आ सकेगा, लेकिन सी जो रहेगा नहीं आ सकेगा क्योंकि बीच में हमारे साइन आ चुके, मतलब रूल्स आ गया है, यदि इस प्रकार से दिखे या तो इस प्रकार से दिखे तो वो डेफिनेटली जो होगा क्या माना जाएगा वहां पे, गलत ही माना जाएगा, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग ये पहला हमारे यहाँ पे क्या फेल हुआ, बी और डी उसी प्रकार से होगा, तो दूसरा भी क्या हुआ हमारा यहाँ पे गलत माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, जो 5 ऑप्शन होगा पांचवा आंसर क्या होगा इस यहाँ पे, राइट आंसर होगा, ठीक है, आगे सर। चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए आप लोग और अच्छे से इसको देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट मैंने आपके सामने बनाया कि ए इज इक्वल टू बी ग्रेटर देन लेस ग्रेटर देन या इक्वल सी
या डी? बी डी और सी डी, पता क्या हुआ है बेंसर? पता क्या हुआ? पहला क्या होगा? पक्का सही होगा? एक बार सोच लो, सही होगा गलत होगा? सोचो भाई, सही होगा गलत होगा? पक्का डेफिनेटली ये यहाँ पे क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। गलत क्यों माना जाएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या पूछा है गाइस, कि आपका यहाँ पे मतलब बराबर भी, सॉरी बड़ा तो आना ही चाहिए, लेकिन साथ में आपका बराबर भी आना चाहिए। तो देखो यहाँ से जब बी निकला तो यहाँ सी तक तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब बी के पास वो पहुंचेगा वहां पे, तो देखो यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐसा बनेगा। बी यहाँ से निकला तो वैल्यू आपका ऐसा दिखाई देगा ना, तारे वैल्यू ऐसा बना है, तो इसको फॉलो करेगा क्या? नहीं फॉलो करेगा ना, क्योंकि उसमें से सिर्फ एक ही को फॉलो कर रहा है, मतलब वहां पे जब आना चाहिए। तो यदि यहाँ पे बराबर दिया है, ये देखो यहाँ पे बराबर लगा है, तो यहाँ पे भी बराबर होना था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है ना, तो इस कारण से यहाँ पे क्या माना जाएगा? ये जो रहेगा यहाँ पे गलत ही माना जाएगा। ये जो माना जाएगा क्या माना जाएगा? गलत। मतलब जो फ्लो होगा वगैरह होगा ना, तो फ्लो वहां पे एकदम मेंटेन होना चाहिए, कि जैसे यहाँ पे आपका बराबर दिया गया है तो पूरे में बराबर ही होना चाहिए। यदि यहाँ पे बराबर पूछा है तो मतलब ग्रेटर देन या तो लेस देन बराबर में पूछा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका वहां पे साइन पूरी तरीके से फ्लो मेंटेन होना चाहिए। यदि फ्लो मेंटेन नहीं है तो वो वहां पे गलत माना जाएगा। सी और डी को देख लो, सी को बड़ा करना है, डी को छोटा करना है, तो ऑलरेडी सी बड़ा है, डी छोटा है, यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर, मतलब सेकंड जो होगा, सेकंड यहाँ पे क्या माना जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो इसको मैं यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसको रूल से में लिख लीजिए अपना इक्वेशन को आप लोग। ये जो पहला रूल से लिखना है यहाँ पे, ये दूसरा रूल से लिखना अपने पेयर कॉपी में, और ये लिखना आप लोग तीसरा रूल से लिखिए। चलिए, यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए जल्दी से, थम्स अप दीजिए जल्दी से, थम्स अप दबाइए आप लोग, है ना। और आपके जो एग्रीकल्चर जो फ्रेंड वगैरह है, तो एग्रीकल्चर फ्रेंड को ये जो वीडियो वगैरह आप लोग सेंड कीजिए। देखो स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। देखो यदि आप लोग सेंड नहीं करोगे, इसको लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। सीरीज को मैं कैंसिल कर दूंगा। कैंसिल कर दो क्या? बताइए ना, लाइक करोगे ना? लाइक भी करो, क्योंकि भाई ये क्या रहेगा कि जैसे आपका लाइक आ रहा है तो मेरे को करेज मिलता है ना अंदर से, कि हाँ मतलब और भी मैं वीडियो अच्छे से बनाऊं। तो जितना ज्यादा आप लोग शेयर करोगे उतना मेरे लिए भी प्रॉफिट होगा, और जो आने वाली हमारी जो जनरेशन होगा, जनरेशन के लिए भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि मेरा तो काम ही है पढ़ाना गाइस, मेरा तो काम ही है पढ़ाना। तो मैं तो अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ाते जाऊंगा, और धीरे धीरे देखना इसके इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे यहाँ पे, ऑटोमेटिकली आप खुद देखोगे कि इसमें चैनल कहाँ था और चैनल कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है, गाइस, है ना। चलिए तो आगे हम पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो देखो वहां पे फ्लो क्या होना चाहिए? पूरी तरीके से मेंटेन होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट मिल लिया ए, तो सी एफ, बताइए क्या होगा? नीचे एफ लिखा है, बताइए क्या होगा? क्या होता पहला? क्या होगा पहला? क्या होता पक्का? डन। पहला जो माना जाएगा ये क्या माना जाएगा यहाँ पे गाइस? आपका गलत माना जाएगा। गलत क्यों माना गया? क्योंकि देखो यहाँ से जब ये निकलेगा ना, सी यहाँ पे निकलेगा, तो इसको यहाँ पे तो फ्लो यहाँ पे मेंटेन कर लिया, लेकिन पहले इसने फ्लो मेंटेन किया क्या? नहीं मेंटेन किया। कैसा फ्लो मेंटेन? क्योंकि ये देखो ना गाइस, यहाँ पे क्या दिया है आपको? बड़ा भी दिया है और बराबर भी होगा, तो बड़ा और बराबर सभी जगह दिखना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे दिया कि ए बड़ा या बराबर बी दे दिया, बी बराबर बड़ा या बराबर सी दे दिया, और यहाँ पे यदि ऐसा दे देता है यहाँ पे कि आपको ऐसा दे दिया यहाँ पे इस प्रकार से दे दिया, तो भी क्या माना जाएगा? यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा ना। 1 सेकंड, ये देखिए
है माना जाएगा। यहाँ पे यदि पूछेगा कि बताइए कि ए जो रहता है एफ के बड़ा या बराबर है कि नहीं है, तो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही होगा। जब ए यहाँ से निकलेगा मिस को मिलने के लिए, ए एफ के पास मिलने जा रहा है, यहाँ पे एफ कभी भी इधर आएगा क्या मिलने को, बताइए। ये जो एफ रहेगा ये इधर आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा, क्योंकि सी ने एफ के लिए गेट बंद कर दिया कि नहीं भाई तू अंदर नहीं आ सकता है। और जब अंदर से गेट बंद कर देगा तो आप लोग बता मिलने जा सकोगे क्या, भाई अंदर से ही गेट लॉक कर दिया है तो आप उससे मिल के आओगे क्या, नहीं मिल के आओगे वहां पे, है ना। तो ये देखो यहाँ पे फ्लो मेंटेन नहीं हुआ, तो इस कारण से भी क्या माना जाएगा, यहाँ पे गलत। तो ये गलत माना गया। सी और एफ को ध्यान रखना गाइस, ये देखो यहाँ पे ये जब ऐसा दिया रहेगा तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही माना जाएगा। ये क्यों सही माना जाएगा, सेकंड वाला, सेकंड इस कारण से सही माना जाता है गाइस, क्योंकि फ्लो में जो होता है, ध्यान रखना मैं इसको फ्लो बोलूंगा यहाँ पे, है ना, जो फ्लो जो होगा तो फ्लो में क्या होगा कि सिर्फ एक ही वैल्यू को वो फॉलो करता है, आपका ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन हो, सिर्फ उसी को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे सेकंड क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, और फर्स्ट उसने फ्लो मेंटेन नहीं किया है तो क्या होगा, गलत होगा। फ्लो आपका दिया गया है, नीचे पूछा गया है, देखो नीचे फ्लो पूछा गया है और फ्लो पर मेंटेन नहीं है तो गलत, लेकिन उसमें से एक जो यदि दे दिया आपका ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा, ये यहाँ पे क्या माना जाएगा आपका, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो क्या होगा यहाँ पे, सेकंड जो होगा ये राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, इसको लिख लो, इसको भी लिख लो, यहाँ पे लिखते चलो अपनी कॉपी में, जो फेयर कॉपी रहेगी वहां पे लिखते चलो, वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए इसको मैंने पूरा साफ करते रहे, अब बताइएगा। जैसे ए बी सी बराबर ई, फर्स्ट ऑप्शन दिया है ए बराबर ई, सेकंड नंबर पे दिया है ए बड़ा या बराबर ई, ठीक है, बनाइए इसको क्या आएगा। आज हम जंक्शन वाले भी पढ़ेंगे, है ना। पहला क्या होगा, राइट होगा पहला क्या, देखो आपने यहाँ पे यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे ले गए, बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो ए बराबर ई होगा, तो ये तो भाई सही हो गया, ये तो सही होगा, है ना। तो ये क्या माना जाएगा तुम्हारा, सही होगा। अरे दादा ये गलत माना जाएगा, क्यों गलत माना जाएगा, अभी तो बताया था सबसे पहले रूल से क्या बोला है, रूल से क्या बोला है, मैंने क्या बताया आपको रूल से, कि सबसे पहले आप लोगों को किसको चलाना है, बराबर वाले को चलाना है बेटा, ये सेंस होगा बराबर का, कि सबसे पहले आपको देखो ये भी यहाँ पे ए जो रहेगा ए भी इधर आ सकेगा, आई नो, है ना, ए भी आ सकेगा, लेकिन रूल हमारा बोलता है कि सबसे पहले आप लोगों को बराबर वाले को ही चलाना है, फिर उधर चलेगा यहाँ पे, तो ये ई जो रहेगा ई यहाँ पे आके अटक जाएगा। अब बताइए ई इधर बढ़ जाएगा क्या, बी की तरफ बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, बी ने पूरी तरीके से गेट यहाँ पे बंद कर दिए हैं, नहीं जा पाएगा। जो ए रहेगा तो ए यहाँ पे चले जाएगा यहाँ पे, तो आपका वैल्यू कुछ ऐसा बन जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो गया ना। तो ये रूल्स ध्यान रखना, रूल्स यहाँ पे काम में आएंगे, बच्चे इसी में अटक जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इसको बताइए यहाँ पे सेकंड वाले को, सेकंड तो बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, और सही होगा ना, देखो ना यहाँ पे पूरा फ्लो मेंटेन हो, यहाँ पे भी पूरा फ्लो मेंटेन है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली जो होगा आपका सेकंड आंसर राइट होगा, ठीक है। चलिए समय में नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा रिपीट कीजिए, इसको पीछे ले जाइए फिर देखिए, यहाँ पे डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर देखो मैंने यहाँ पे दिया ए और एफ, ठीक है, उसके बाद दिया बी और डी, उसके बाद दिया एफ, हम बनाते चलिए, आप लोग बनाते चलिए साथ में, ठीक है, मैंने दे दिया ए बराबर ई दे दिया। देखो पहला क्या होगा बताइए आप लोग, देखो फ्लो को मेंटेन करना है ना,
तो ए तो निकला बी के पास, लेकिन ई के पास फ्लो मेंटेन हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि एफ से जाना है ना भाई, यहाँ पे पूरा फ्लो मेंटेन होना था। ये देखो यहाँ पे तो फ्लो मेंटेन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फ्लो मेंटेन है क्या? यहाँ पे फ्लो मेंटेन नहीं है ना यहाँ पे, तो क्या माना जाएगा? गलत होगा भाई, फ्लो मेंटेन नहीं होगा तो वो क्या माना जाएगा यहाँ पे आपका? रॉन्ग होगा, तो ये गलत माना जाएगा। बी और डी को देखो, बीच में क्या आ गया? तुम्हारे अपोजिट साइन आ चुके हैं। अरे आए ना, देखो अपोजिट साइन बताया था किस प्रकार से दिखेंगे, चाहे आपको इस प्रकार से दिखे तो क्या माना जाएगा? गलत ही माना जाएगा। तो ये भी क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एफ और ई को देख लो, ये रहा एफ और ये रहा ई, ए को क्या करना है? छोटा करना है यहाँ पे, लेकिन ए तो हमारे पास ऑलरेडी बड़ा है, तो ये भी गलत माना जाएगा। ए और ई में देख लो यहाँ पे, ये बराबर करने को बोल रहा है, ये भी गलत माना जाएगा। मतलब सभी के सभी जो आंसर होंगे गाइस, ये क्या होंगे? हमारे गलत आंसर यहाँ पे माने जाएंगे। ठीक है, तो होपफुली सब लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको देखते जाइए और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन इसको आप सेंड कर दूंगा, आप लोग इसको देखिएगा। अब हम पढ़ते हैं जंक्शन वाले, कैसे हम लोग मर्ज करते हैं। हेडिंग लिख लो जंक्शन। जंक्शन वाले कैसे आते हैं? तो देखो यहाँ पे किसे आएंगे जंक्शन में? जंक्शन में मिलने जाने, मतलब दो अलग अलग रहते हैं, जैसे मैंने बताया कि ए बी सी, ये तो एक वैल्यू दे दिया यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे कॉमा दिया रहेगा, तो कॉमे से आप लोग समझ जाना। फिर दिया रहेगा सी एफ, ठीक है, और डी दिया रहेगा ऐसा। तो आप लोग क्या करना है यहाँ पे, इसको मर्ज करना है। मर्ज कैसे करोगे यहाँ पे? सबसे पहले देख लो दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है, और दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है? दोनों में कॉमन देखो, कॉमन मतलब एक समान देखो, वहां पे क्या दिख रहा है? ए है क्या? नहीं है। बी है क्या? नहीं है। सी है क्या? हाँ सी बिल्कुल है, तो सी को सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में दे दे रहा है आपको, आप लोग बनाइए तो उसको। डी और दूसरे नंबर पे दिया है सी, सॉरी दूसरे नंबर पे दिया मैंने बी बराबर डी, और थर्ड नंबर मैंने दिया है ए, और फोर्थ नंबर पे दिया है एफ बड़ा है एस। यहाँ पे बताना, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ए और डी की बात करेंगे तो पहले इसको इसको यहाँ पे मर्ज कर दो, क्योंकि यहाँ पे भी सी है यहाँ पे भी सी है, तो पहले वैसा का वैसा लिख लो, पहले सी लिखोगे, ध्यान से देखना पहले क्या लिखोगे आप लोग, सी लिखना। अब देखो ए से डी के पास जाना है आपको, तो ए यहाँ से मिल जाएगा और डी यहाँ से मिलेगा, तो सी के बाद जैसा भी वैसा वैसा जमा दे उसको। देखो सी को क्या करना है आपको, ये बड़ा करना है, बराबर भी करना है, ध्यान रखना कैसा मैं बता रहा हूँ इसे, बस ध्यान रखो। फिर एफ मतलब जैसा उसने लिखा है ना वहां पे, वैसा का वैसा आपको एक जो नया इक्वेशन होगा, ये नया इक्वेशन यहाँ पे तैयार करना है। ये सी देखो, तो सी बराबर इधर क्या हो जाएगा, बी को क्या माना है? बराबर, तो वैसा का वैसा। फिर बी को क्या करना है? छोटा करना है, छोटा करना है ए से करना है। एक बार वीडियो को थोड़ा प्रीवियस कीजिए, पोस्ट कीजिए, देखिए इसको। तो ए से डी के पास जाना है, तो देखो ए से डी के पास चले जाएगा भाई, बिल्कुल यहाँ पे फ्लो मेंटेन किया, यहाँ पे भी फ्लो मेंटेन किया, यहाँ पे भी फ्लो मेंटेन किया, मतलब सभी जगह यहाँ पे फ्लो मेंटेन करना है। यहाँ पे देखो फ्लो के साथ आ रहा है ना, तो फ्लो मेंटेन है, फ्लो मेंटेन है, फ्लो मेंटेन है। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पे ये बराबर आ चुका है तो यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो जाएगा, नहीं भाई, बराबर आ चुका है तो भी वो फ्लो मेंटेन कर देगा। फ्लो मेंटेन कब नहीं करता कि जब वहां पे इस प्रकार से दिया रहता तब जाके वो फ्लो वहां पे मेंटेन नहीं करता यहाँ पे, है ना, तब जाके क्या करता है वहां पे, फ्लो मेंटेन नहीं करता, मतलब यहाँ पे डेफिनेटली क्या करेगा, फ्लो जो रहेगा वो मेंटेन यहाँ पे कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे क्या होगा आपका, ये राइट आंसर होगा, क्योंकि सभी जगह फ्लो मेंटेन है और बराबर के साथ आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बी और डी को देख लो, देखो डी आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा भाई, डी के लिए तो यहाँ पे गेट पूरी तरीके से बंद है, तो जो बी रहेगा तो बी इजिली से यहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे भी चले जाएगा, तो कुछ वैल्यू जो रहेगा हमारा इस प्रकार से बनेगा। मतलब ये इसको बराबर बताएं तो बराबर है क्या? एक बराबर आ रहा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा गाइस, गलत ही माना जाता है, ये गलत माना जाएगा। सही कौन सा माना जाता है यहाँ पे? सही आपका ये यहाँ पे माना जाता कि बी बड़ा है डी से, ये यहाँ पे सही माना जाता है। यहाँ पे देखो आई नो गाइस, यहाँ पे बी बड़ा या बराबर दिया है डी के कंपेयर में, तो यहाँ पे दोनों आ रहे हैं, लेकिन दोनों में से सिर्फ किसको फॉलो करेगा? जो आपका बड़ा होगा तो बड़े को ही फॉलो करेगा, बाकी बराबर को फॉलो यहाँ पे नहीं करेगा। तो मतलब क्या होगा यहाँ पे गाइस, कि ये जो हो जाएगा सही माना जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा।
ठीक है। यदि आपको कोई डाउट दिक्कत लगता है तो आप लोग मेरा पर्सनली नंबर नोट कर लीजिए सभी लोग, इस पे मेरे को मैसेज कीजिए 9630603883 मैसेज कीजिए और मेरे को यहाँ पे बता दीजिए कि आप लोग जो भी डाउट दिक्कत है कमेंट वगैरह आते हैं जिस पर मैसेज करना यहाँ पे देख लूंगा। बी और डी की बात करेंगे तो ये देखो यहाँ पे ए और एफ को देखो, ए और एफ ये रहा, ए ये रहा और एफ ये रहा, तो ए को छोटा करना है भाई, ए तो हमारा ऑलरेडी बड़ा है क्योंकि ये हमारी क्या है कोट हो गया है, लेकिन ये हमारा गलत भी हो सकेगा, तो ए को छोटा कर रहा है लेकिन ए तो हमारे पास ऑलरेडी बड़ा है तो ये क्या माना जाएगा यहाँ पे गलत होगा। एफ और ए को देख लो कि ए को छोटा कर रहा है, ए तो हमारा ऑलरेडी बड़ा है तो ये भी यहाँ पे क्या माना जाएगा, दोनों जो एलिमेंट होंगे इसे यहाँ पे क्या हो जाएंगे गलत हो जाते हैं। आइदर वाली कंडीशन यहाँ पे लग सकती थी लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखो एफ भी बड़ा है यहाँ पे भी एफ बड़ा है, आइदर वाली कंडीशन में बताऊंगा आप लोगों को, अभी तो मर्ज करना सीख ले रहे हैं, बाकी फिर मैं बताऊंगा आपको कि जो आइदर लगेगा तो आइदर किस प्रकार से लगेगा। होपफुली आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस प्रकार से मैंने यहाँ पे किया है, इसको ध्यान रखना जरूर जरूर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक और हम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने बनाया ए बी सी कॉमा बी कॉमा डी बी, आप लोग सोच रहे होंगे अभी कि सर उसको तो इसे डायरेक्ट मिला दो वहां पे, लेकिन डायरेक्ट मिलाना नहीं है, कॉमन लेना है। अब देखो यहाँ पे गाइड अटक जाएगी, यदि सीधा वहां पे तो सीधा के सीधा चले गया था, यहाँ पे सीधा के सीधा नहीं जाएगा, तो पता है ना आप लोग क्या सोच रहे हैं, अच्छी तरह से जानता हूँ ना अब सर, है ना, फोर ईयर सिक्स मंथ फाइव डेज से पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को कंटिन्यू, फोर ईयर सिक्स मंथ है ना। देखिए डी बराबर सी इसको क्या आएगा, तो देखो सबसे पहले क्या लेना है आप लोगों को, कॉमन लेना है, तो कॉमन यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे बताया मैंने दोनों जगह जो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, बी दिख रहा है तो बी आपने कॉमन ले लिया। अब बी से यहाँ पे किसको जाना है आपको, ए को पहचानना है, तो ये ई यहाँ से मिल जाएगा, ये ई यहाँ से मिल गया, देखो जैसा बनाया है ना वैसा बनाना बेटा वहां पे, ठीक है, तो बी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसके बाद जो रहता है यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे ए मिल जाएगा, तो ये ए ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ए और ई में हो सकता है क्या, नहीं हो सकेगा क्योंकि अपोजिट साइन आ गए, अपोजिट साइन डेट मीन्स यहाँ पे गलत। डी और सी को भी देख लो, कॉमन क्या आ गया, बी आ गया आपका, तो यहाँ से सी ले लिया अपने और डी पे जाना है, तो इसको ऐसा करते हैं यहाँ पे ये आ गया यहाँ पे, तो जा पाएगा क्या सी, तो यहाँ पे चले जाएगा लेकिन डी आपका डी छोटा है बराबर है यहाँ पे, लेकिन ये बड़ा करने को बोल रहा है तो यहाँ पे क्या माना जाएगा गलत, मतलब दोनों आंसर क्या आएंगे यहाँ पे गलत आएंगे, ठीक है। तो होपफुली गाइस आप लोगों को सीरीज यहाँ पे समझ में आया होगा, आज हमने जंक्शन वाले पे देखे, होपफुली सभी को समझ में आया होगा, यदि नहीं भी समझ में आया है तो गाइस थोड़ा वीडियो को पॉज करके देखिए और इस सीरीज को मैं कंटिन्यू मेंटेन कर रहा हूँ गाइस। 28 दिसंबर को आप लोगों को फ्री का सारा कोर्स मैं यूट्यूब पे फ्री सेशन कर दूंगा, तो जो भी एग्रीकल्चर के फ्रेंड है उनको ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के बारे में बताइए, उनको बताइए ताकि मेरा भी एक मनोबल बढ़े और उन लोगों को भी अच्छा से अच्छा प्रॉफिट मिले, बस आपका काम है शेयर करना, वहां पे देखना या ना देखना उनकी बात है गाइस, ठीक है। तो आज के लिए हमारा सेशन इतना सफिशिएंट है, दैट्स एनफ फॉर टुडे, वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास। यदि YouTube पे यदि आप लोग WhatsApp ग्रुप पे नहीं जुड़े हो तो मैं WhatsApp पे लिंक शेयर कर दे रहा हूं, मतलब इसके नीचे शेयर कर दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे WhatsApp पे ऐड हो जाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे आप लोगों को करने को मिले, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, सभी लोगों को शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।